Welcome back to my channel. So, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू ब्राइड एक मेकअप लुक. तो अगर आपका नया नया शादी हुआ है तो ससुराल में तो पहले दिन बहुत सारे ओकेशन वगैरह चलता है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत तो मेकअप करना ही पड़ता है क्योंकि बहुत सारे मेहमान भी आ जाते हैं. इसीलिए तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये मेकअप लुक मैं शेयर करूं. और आप लोगों को अगर मेकअप करना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको मेकअप थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है, तो ये मेकअप लुक आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा. और ये लुक अगर आप देख ले कि मैंने कैसे क्रिएट किया है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कोई भी ये मेकअप लुक कर सकता है, चाहे वो मेकअप उनको आता है या फिर नहीं आता है, फिर भी कर सकते हैं. और ये लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने बस 10 मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज किया है. तो मैंने कोशिश किए हैं कि बहुत इजी वे में बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट को यूज करके ये मेकअप लुक को क्रिएट करने की. और ये बहुत ही एक सिंपल सोबर लुक में मैंने क्रिएट किया है. इसमें इसके साथ अगर आपके पास वेडिंग ज्वेलरी है कुछ भी आप पहन सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा ये वाला लुक. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. और अगर आपको ये लुक अच्छा लगे और वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो अभी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं फेस में अप्लाई करने वाली हूँ डाबर गुलाबरी का रोज वाटर. तो आपके पास जो भी टोनर है सबसे पहले फेस पे एक टोनर अप्लाई कीजिएगा, इससे फेस हाइड्रेट रहेगा और स्किन पोर्स को भी मिनिमाइज करने में टोनर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. देन मैं यूज करने वाली हूँ पॉन्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर. सो ये जो मॉइस्चराइजर है किसी भी स्किन टाइप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, बेस्ट फॉर समर सीजन. तो अच्छी तरीके से फेस को मॉइस्चराइज कर लीजिए. उसके बाद प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर यूज किया है, ये काफी हाइड्रेटिंग प्राइमर है. सो इसको भी आपको फेस पे अप्लाई कर लेना है. और मैंने कोशिश किया है सब कुछ ऑलमोस्ट अफोर्डेबल प्राइस का प्रोडक्ट की मैं यूज करूँ, इसीलिए मैंने अफोर्डेबल प्राइस का ही प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया है. देन अभी फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है पॉन्स की बीबी क्रीम. तो जहां पे भी आपको जरूरत है थोड़ा बहुत बीबी क्रीम को अप्लाई करना, जैसे कि मुझे अंडर आई में डार्क सर्कल है तो वहां पे, और फेस में थोड़ा थोड़ा करके मैंने अप्लाई कर लिया है और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने पूरी तरीके से बीबी क्रीम को ब्लेंड कर लिया है. सो उसके बाद आपको नेक पे भी थोड़ा बहुत ब्यूटी बीबी क्रीम को यूज कर लेना है. उसके बाद मैंने ब्लश के लिए यहाँ पे ब्लू हेवन का लिप एंड चिक टिंट का यूज किया है. तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक टिंट है, इसको आपको पहले अप्लाई कर लेना है तो बहुत अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से ये स्टे करता है. तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है और ये काफी वाटरी टेक्सचर है इसका, इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो जाता है. तो और काफी नेचुरल ब्लश लगता है देखने में, तो अगर आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. देन पूरा मेकअप को सेट करने के लिए मैंने एल 18 का कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज किया है. तो इसको आपको अच्छी तरीके से फेस और नेक को आपको कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट कर लेना है. तो ऐसे स्टेप में अगर आप मेकअप करते हैं ना बहुत जल्दी से आप कर पाएंगे और कोई भी ऐसे लुक क्रिएट कर सकते हैं. देन आई मेकअप के लिए मैंने सेम लिप एंड चिक टिंट का ही यूज किया है, इसके हेल्प से आपको पूरे आईलिड पे इस टिंट को आपको अप्लाई कर लेना है. इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आपको मेकअप करना नहीं आता है फिर भी आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे आई मेकअप लुक आप भी क्रिएट कर पाएंगे. तो बस ये टिंट को लेकर आपको ऐसे आईलिड पे अप्लाई कर लेना है. तो अगर आप चाहें तो इतना ही अप्लाई करके रख सकते हैं, बट न्यू अगर आप ब्राइड है तो थोड़ा बहुत तो शिमर अप्लाई आप कर ही सकते हैं. इसीलिए ये टिंट अप्लाई हो जाने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी एक हाइलाइटर जो कि है मार्स का हाइलाइटर. तो इसको आपको अच्छी तरीके से आईलिड पे अप्लाई कर लेना है, जितना आप चाहते हैं उतना बस, और कुछ नहीं करना है, आपका आई मेकअप कंप्लीट है. उसके ऊपर मैं यूज करने वाली हूँ मेबलिन का आईलाइनर. सो आईलाइनर बहुत ही बेसिक है, आप अपने आईज के शेप के तरीके से ही आपको लाइनर को ड्रॉ कर लेना है. तो जैसे मैं कर रही हूँ तो ऐसे आप बहुत ही बेसिक सा लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है. उसके बाद मैंने आईब्रोज के लिए हिलारी रोडा का आईब्रो किट का यूज किया है.
सो जो आपका आईब्रो का नेचुरल शेप है उसी में आपको आईब्रोज को फिलिंग करना है जैसे मैंने किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मस्कारा के लिए मी ऑन का मस्कारा का यूज किया है। आप चाहे कोई भी मस्कारा यूज कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने इस वीडियो के पहले मैंने दो ब्राइडल मेकअप किट का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर नहीं देखा है लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ओके, देन एक से दो कोट मैंने मस्कारा का यूज कर लिया है तो ये काफी अच्छा मस्कारा है। देन लिपस्टिक के लिए मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का ये लिपस्टिक का यूज किया है। शेड वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी। मेकअप को सेट करने के लिए NYP का ड्यूई फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज किया है। जो भी आपके पास है यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो ये भी खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक मेकअप सेटिंग स्प्रे है। और उसके बाद हाइलाइटर के लिए सेम मैं मार्स का हाइलाइटर का ही यूज किया है। तो थोड़ा बहुत अगर आप हाइलाइटर यूज करना चाहते हैं तो जैसे मैं यूज कर रही हूँ वैसे आप यूज कर सकते हैं। और हाइलाइटर को फेस पर अप्लाई करने के बाद भी आईज की इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कीजिएगा तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। सो दिस इज माई फाइनल फिनिश लुक यू गाइज।